आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीडिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे देखी एक लेडीज सॉक्स लेके आई, बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी सॉक्स, ये डिजाइनर सॉक्स बनेगी और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी ताकि आप इसे आसानी से बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले सिलाई की बात करती हूँ। सिलाई हमने 11 नंबर की ली है और कुछ इस तरह से हमने ऊन ली हुई। ठीक है, आप इसे 4 ply नॉर्मल ऊन से भी इसे बना सकते हैं। ये उस वाल की है और ये बिना ब्रांड वाली ऊन है। और यहाँ पे मैंने 24 फंदे डाले हुए। ठीक है, 24 फंदे डालने के बाद दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने यहाँ पे टोटल 24 धारियाँ बना के कंप्लीट कर ली। यानी 24 दुनी यानी कि 48 हमने यहाँ पे लाइनें बना के कंप्लीट की हुई है। अब यहाँ पे देखिए उल्टे साइड से कलर चेंज करेंगे हम। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, लोग लाइक नहीं करती हैं, और ये कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि किस तरह का सॉक्स का डिज़ाइन या फिर किस एज का आप देखना चाह रही हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं हम उल्टे साइड से यहाँ पे सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई उल्टा बनाएंगे। उल्टी साइड से हमने पूरी सिलाई उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली। आ गए सीधी तरफ, पहला फंदा को उतारेंगे, इस तरह से लेंगे जैसे हम सीधा बुनते हुए ऐसे उतारना है इस फंदे को, धागा अपनी ओर करेंगे। अब इस लाइन को भी हम सीधी तरफ से इसे उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। चलिए कि दूसरी लाइन भी उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं और उल्टे साइड फिर आते हैं। अब यहाँ से इस धागे को हम अपनी ओर इधर इस तरह से दबा लेंगे और यहाँ पे हम ब्लैक कलर लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए उल्टा बुनते हुए जाएंगे, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। 22 फंदे हम बुन लिए, 2 फंदे हम यहाँ छोड़ देंगे, धागा उधर करेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से इन फंदों को हम जो भी बचे हुए फंदे हैं सभी को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना देंगे, इस तरह से देंगे और इसे बुन लेंगे। तो चलिए सिलाई पूरा उल्टा कर लेती हूँ, ये लाइन कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं उल्टे साइड पे। अब ब्लैक कलर का धागा को हम इस तरह से ऐसे दबा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंगे ये ब्लू वाली कलर, यहाँ से काउंट करते हुए जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है, 20 फंदा हमने यहाँ पे बुन लिए, 2 फंदा फिर से छोड़ देंगे। यानी कि आपको उल्टे साइड से जो कलर जब चेंज करेंगे उसी कलर से फिर हम यहाँ पे जो कलर होगा उसे 2 फंदा हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इधर पलट लेंगे और इधर से सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सीधी तरफ से हमने ब्लू कलर से बुन लिया, अब बुनेंगे हम ब्लैक से। फिर इस धागे को इधर दबा देंगे। अब जब ब्लैक कलर का धागा लगाएंगे तो ब्लू कलर का जो 2 धागा है इसे हम इस तरह से छोड़ देंगे, यानी 2 फंदा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर जब नेक्स्ट राउंड में फिर हम ब्लू से बुनेंगे तो 2 फंदा हम ब्लैक का छोड़ देंगे। इस तरह से करते हुए आपको जाना, तो यहाँ से लेंगे ब्लैक। ठीक है, यहाँ से हम 18 फंदों को बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह। ठीक है, अब दो फंदे हमने जो ब्लू का बुना हुआ था इसे छोड़ देंगे। अब इधर से पलट लेंगे, अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं ब्लैक वाले को। अब देखिए उल्टे साइड आ गए, तब यहाँ पे ब्लैक कलर का धागा इस तरह से दबाएंगे और यहाँ से ब्लू से बुनना शुरू करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह। सोलह फंदा हमने बुन लिया, ब्लैक का दो फंदा हमने छोड़ दिया। अब इधर से पलटेंगे हम सीधी तरफ से आ जाएंगे और इधर से सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक फंदा को घूमते हुए हमने यहाँ से लगाते हुए आए तो दो चार छः आठ दस बारह और चौदह, दो फंदा हमने ब्लू का छोड़ दिया। ठीक है, अब इधर से पलटेंगे और यहाँ से घूमते हुए ब्लैक फंदा को जाएंगे, फिर से हम उल्टा उल्टा फिर सीधी तरफ इधर उल्टी तरफ आएंगे, फिर दो फंदा छोड़ देंगे। इसी तरह से करते हुए लास्ट में आपके छः फंदे होने चाहिए। ठीक है, यानी दो चार और ये छः, बाद में सभी फंदों को हम घटाते हुए जाएंगे। तो घटा लेती हूँ, लास्ट में जब छः फंदा रहेगा फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए छः धारियाँ हमारी बच गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फंदे छोड़े हैं, दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह और अठारह, अठारह फंदे हमने छोड़ लिए और यहाँ पे छः फंदा है। अब इस धागे को इधर घुमाएंगे और ये ब्लैक वाला फंदा जो है इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। ठीक है, ये लाइनें हमने बुन ली। अब उल्टे साइड से इसी ब्लैक कलर से हम पूरी सिलाई ब्लैक बना लेंगे। ठीक है, अब इस धागे का भी यहाँ पे कोई काम नहीं, इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो आगे का जो डिजाइन है इसी ब्लैक से बना सकती हैं, यानी कि यहाँ पे अब पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाने के बाद धारियां गिनना है। ठीक है, यानी कि छह धारी या फिर आठ धारी पैर के हिसाब से बनाना है। तो आप इसी ब्लैक कलर से बना सकती हैं सिंपल सिंपल, जैसे मैंने ये धारियां बनाई है आगे भी इसी तरह से धारियां बनानी है, छह धारियां। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप कलर चेंज कर सकती हैं, बीच में कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं या फिर इसी ब्लैक कलर से ही बना सकती हैं आप इसे। पूरी सिलाई हमने यहाँ पे बना ली। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डिजाइन आएगी इसकी। ये पार्ट जो है ब्लैक पार्ट, ये हमारे पीछे की तरफ चली जाएगी और ये जो बीच में जो डिजाइन डल रही है ये हमारे सामने आएगी उंगलियों के बीच के पास। ठीक है, अब यहाँ से इस कलर से फिर से एक लाइन हम यहाँ ब्लैक बना लेते हैं। चाहे तो फिर आप, मैं सोच रही हूँ इसके बीच में कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। अब उल्टे साइड आ गए, अब इस धागे को इधर करेंगे। अब यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम येलो कलर ले लेंगे, थोड़ा सा कलरफुल रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में, तो इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाएंगे। चलिए, अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ पे हम पांच से छह धारियां बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ आपको। छह धारियां बना लूंगी येलो कलर से। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लाइनें कंप्लीट कर ली हैं येलो कलर की धारियां, देखिए एक दो तीन चार पांच और ये छह। ठीक है, इससे पहले देखिए ये जो डिजाइन खत्म हुई थी इसके बाद हमने एक धारी यहाँ पे ब्लैक कलर की पूरी लाइन बुनी हुई थी। ठीक है,
उसी तरह से हमने ये जो येलो कलर का हमने 6 धारी बुनने के बाद एक धारी हमने यहाँ पे ब्लैक से बुन ली है। ठीक है, लास्ट में देखिए यहाँ पे 6 फंदे हमने छोड़ा था, 6 फंदे छोड़ने के बाद यही 6 फंदों को हमने आगे बुनाई करते हुए ये डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, अब किस तरह से करना है आपको देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फंदे छोड़ते हुए जाना है, दो दो फंदे करते हुए, अब इधर से किस तरह से बुनना, अब इधर देखिए आप, जब ये ब्लैक कलर की एक धारी आप कंप्लीट कर लें तो उल्टा साइड से देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पे लेंगे, इसे बुनेंगे, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, 6 फंदा बुन लिया हमने, अब इस धागे को इधर करेंगे, अब इधर से इन फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, 6 फंदा हमने यहाँ पे बुन लिया, जैसे कि एक धारी से पहले यहाँ पे 6 फंदा बचा हुआ था, तो इसे हमने एक बार सीधी तरफ से एक बार उल्टी तरफ से बुनने के बाद हमने किया हुआ था, सेम आपको इसी तरह से कर लेना है। अब उल्टे साइड पे आ गए, अब उल्टी साइड पे आने पर इस धागे को इधर कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लू कलर का धागा ले लेना है, अब यहाँ से ब्लू कलर का धागा को बुनेंगे हम, देखिए 1 फंदा। ठीक है, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, 6 फंदा जो हम ब्लैक का था इसे हमने ब्लू पे बना लिया। ठीक है, अब 2 फंदा इधर से ऐड करेंगे 6 से, अब 2 इधर ऐड कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगी, 1 और ये 2। ठीक है, 8 फंदा हो गया, अब इधर से इधर पलट लेंगे हम, सीधी तरफ आ जाएंगे, अब यहाँ से फिर से इसे बुनते हुए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, 8 फंदा हमने बुन लिए, अब इधर पलटेंगे उल्टे साइड, अब यहाँ से ब्लू कलर को अंदर की साइड दबा देंगे, अब यहाँ से ब्लैक कलर लेंगे। ठीक है, जैसे दो दो फंदा हमने घटाते हुए इधर किया था, अब इधर क्या करना है, दो दो फंदा हम इधर जो भी कलर लगाएंगे उल्टी तरफ से उसे दो दो फंदा ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, यानी इधर जोड़ते हुए जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे ब्लैक कलर लिए, ठीक है, ब्लैक कलर से जो ब्लू फंदा है उसे तो बुन ही लेंगे, दो फंदा और हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ते हुए जाएंगे, जैसे ये 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 फंदा हमने बुन लिया, अब 2 फंदा इसमें और ले लेंगे, इसमें 1 और ये 2। ठीक है, फिर इधर सीधी तरफ आ जाएंगे, धागा इधर करेंगे, अब इन फंदों को फिर से इसी तरह से बुनेंगे, 1, जितने फंदे हैं सभी को इधर जो हमने बुना है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, 10 फंदा हमने बुन लिए, देखिए है ना, इसी तरह से ये छूटती हुई जा रही है, इधर हमने छोड़ते हुए गया था, इधर आपको जोड़ते हुए जाना उधर। अब देखिए इस ब्लैक वाले धागे को अंदर की ओर दबाएंगे, अब यहाँ से ब्लू फंदा ले लेंगे, जो ब्लैक कलर का फंदा है उसे जितना दूर हमने बुना हुआ था ये देखिए पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ खाली गैप है, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे खाली दिख रही है, तो उसी जगह पे आपको वहाँ से 2 फंदा और इसमें जोड़ लेना है। तो 10 फंदा हमने बुना, तो 10 फंदे पहले हम बुन लेते हैं, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, 10 फंदा हमने बुन लिए, 2 फंदा और हम इसमें जोड़ लेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से 12 फंदा हो गया, अब इधर घूमेंगे और इधर से सारे फंदों को उल्टा बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का उल्टे साइड से धागा लगाते हुए जो यहाँ पे ब्लू कलर का धागा सभी को आपको उल्टा बुन लेना है, यानी इन 12 फंदों को उल्टा बुनने के बाद 2 फंदा इधर फिर से हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 और ये 2, इस बार हमारे पास 14 फंदे हो गए, यहाँ से यहाँ तक हमने 14 फंदा कर लिया, धागा इधर करेंगे, अब सीधी तरफ से सारे फंदों को इधर वाली जो है 14 फंदे इसे हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं।
अब देखिए उल्टी तरफ से हमने यहाँ ब्लू कलर का धागा लगाते हैं, यानी 14 फंदे बुन लिए, 2 4 6 8 10 12 और 14। अब यहाँ पे फिर से दो फंदा इसमें ऐड कर लेंगे। आपको जब बुनेंगे तो यहाँ पे इतना गैप नजर आएगा, तब समझ जाना चाहिए कि उल्टी साइड से हमें यहाँ पे दो फंदा इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, अब इधर पलट लेंगे सीधी तरफ, यहाँ से फिर से हम इन फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बनाने, इस साइड का मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उल्टी साइड से देखिए अब यहाँ पे 16 फंदों को हमने यहाँ पे बुन लिया ब्लैक से। ठीक है, अब दो फंदा यहाँ पे फिर से ब्लैक में ऐड करेंगे, एक और ये दो, इस बार हमारे पास 18 फंदे हो गए। इधर पलट लेंगे, फिर इधर से सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टी तरफ से हमने यहाँ पे 18 फंदों को बुन लिया, अब दो फंदा इसमें और ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये 20 फंदा हो गए। सीधी तरफ पलटेंगे, यहाँ से फिर से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए उल्टे साइड से ब्लैक कलर का हमें धागा लगाते हुए टोटल यहाँ पे 20 फंदे को हमने यहाँ पे ब्लू से ब्लैक बना लिए। ठीक है, अब दो फंदा इसमें ऐड करेंगे, फिर से एक और ये दो, तो टोटल यहाँ पे 22 फंदे हो गए। इधर घूम जाएंगे और सीधी तरफ से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए उल्टे साइड से हमने ब्लू कलर का धागा लगाते हुए यहाँ पे सबसे पहले 22 फंदों को बुन लेंगे। बाईस फंदे हमने बुन लिए, दो फंदा और जो ब्लैक है इसे हम इसे भी ब्लू कर लेंगे। तो टोटल हमने 24 के 24 फंदे को हमने यहाँ पे ब्लू बना लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए शुरुआत में हमने एक लाइन ब्लू की बनाई हुई थी, तो यहाँ से सारे फंदे तो ब्लू हो गए। अब इधर से भी जब हम एक धारी इधर से करेंगे, यानी एक लाइन इधर से बुनेंगे, तो यहाँ पे एक धारी बन के कम्प्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पहला फंदा को उतारेंगे, ठीक है, धागा अपनी ओर करते हुए इन फंदों को हम अब उल्टा उल्टा बना लेंगे और उल्टे साइड से ब्लैक कलर का धागा लगाते हुए फिर आगे की हम बुनाई करेंगे। ठीक कर लेते हैं, फिर समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे पूरी सिलाई हमने बना के कंप्लीट कर ली। तो देखिए जैसे यहाँ पे ब्लैक खत्म होने के बाद हमने पूरी सिलाई यहाँ पे सीधी दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाते हुए एक धारी कंप्लीट की थी, सेम इसी तरह से यहाँ भी एक धारी हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। अब उल्टे साइड से हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर से इसकी बुनाई करेंगे और ये जो ब्लू कलर का धागा अब इसे हम कट कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे बाद में मैं काट लूँगी। अब यहाँ से पूरी सिलाई जो 24 की 24 फंदे हैं, अब यहाँ पे ब्लैक कलर से इसकी बुनी जाएगी। अब ब्लैक कलर से दोनों साइड को 24 फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए जैसे मैंने शुरुआत में धारियाँ कम्प्लीट की है, 24 धारियाँ यानी 48 सिलाइयाँ अब आपको कम्प्लीट करनी है दोनों साइड से। इधर जैसे मैंने ये लाइनें कम्प्लीट की है, ये वाली सिंपल सिंपल दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 24 धारियाँ, तो इधर भी मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हमारी ये पूरी सॉक्स बनके रेडी हो गई। इधर हमने 24 धारियाँ बना के कंप्लीट कर ली है। ठीक है, 24 धारियाँ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे उल्टे साइड से दो का एक करते हुए हमने ये सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब इसके सिलने का तरीका देखिए, अगर आप यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, 4 5 6 7, ठीक है, और 8 नंबर के लिए आप इतने फंदे डाले। ये जो मैंने फंदे डाले इस उल से, ये थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, इसलिए मैंने 24 फंदा डाला। आप इतनी फंदे डाले, अगर इससे कम के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे 22 फंदे लें, और इससे ज़्यादा के लिए बनाते हैं यानी 8 और 9 के लिए भी अगर बनाती हैं तो यहाँ पे ये जो है, जैसे हमने 24 फंदे डाले तो आप यहाँ पे 26 डाले। ठीक है, और ये धारियाँ भी आप यहाँ पे ज़्यादा बना सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 24 धारियाँ बनाई है, तो आप 8 और 9 नंबर के लिए यहाँ पे 4 धारियाँ और ज़्यादा बढ़ा लें। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 6 धारियाँ बनाई है, तो यहाँ पे आप 8 धारी बना ले। ऐसे तो 8 धारी है, एक हमने ब्लैक बनाई है, 6 ये और फिर से ब्लैक। ठीक है, तो 8 हो गए, यहाँ पे 10 धारियाँ आप यहाँ पे भी बना लें, तो दोनों साइड से बढ़ा लेंगे और बीच में भी बढ़ा लेना आपको, तभी ये परफेक्ट आएगी। अब चलिए इसे पलटते हैं। पलटने के बाद इतनी सिंपल सिलाई है इसकी। अब देखिए यहाँ से लेंगे हम, सिलने का तरीका सिर्फ सिंपल है, मैं बता देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ से आपस में दोनों भाग को मिलाएंगे और यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक आएंगे। ठीक है, और यहाँ से सिलते हुए नीचे भाग तक यहाँ तक आएंगे। ये जो यहाँ पे येलो है, तो येलो का येलो से सिल लेंगे, बाद बाकी आप यहाँ पे इतने दूर तक आप यहाँ पे ब्लैक से सिल सकती हैं। तो चलिए सिल के दिखा देती हूँ और पहन के भी पैर में। अब देखिए इसकी सिलाई हो गई है नीचे से लेके इधर और इधर। ठीक है, साइड में भी। अब क्या करेंगे, ये जो थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, हम इधर से इस तरह से घुमा लेंगे इसे। ठीक, ब्लैक वाले से लेके यहाँ से हम इस तरह से घुमाएंगे। ब्लू भी लेंगे और एक ब्लैक में, इस तरह से लेने के बाद यहाँ पे हम
इसे खींचते हुए इसे बांध लेंगे। अब इसे सीधा करेंगे और पैर में डाल के दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से लगेगी। चाहे तो आप यहाँ पे क्रोशे से आउटलाइन भी बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने देखी 24 फंदे डालने से क्या हो कि पैर के ऊपर तक, एंकल लेंथ से ऊपर तक यहाँ तक यानी वो आएगी, ठीक है। और इधर से कुछ इस तरह से लगेगी। नीचे साइड से सिलाई कुछ ऐसी दिखेगी आपकी, ये एड़ी तरफ से सिलाई ऐसी मैंने लगाई हुई है। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसे लगी। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।